नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में कुछ सालों से देखा जाए तो फर्जी आईपीएस अधिकारी मिल रहे हैं, फर्जी दरोगा मिल रहे हैं, सीबीआई के अफसर फर्जी मिल जाते हैं, इसके साथ साथ फर्जी थाना मिल जाता है, फर्जी रजिस्ट्री ऑफिस मिल जाता है और प्राइवेट में प्रखंड ऑफिस भी चलाए जाते हैं, तरह तरह के मामले आते हैं। आपको बता दें कि अभी एक ऐसा मामला आया है जिसमें एक व्यक्ति जो है वो अपने आप को दरोगा बताता है और 3 साल से राजगीर में जो बिहार पुलिस एकेडमी है उसका रोज का आना जाना है, उसके पास आईडी है और बतौर उसकी तैनाती एक थाने में है, ऐसा उसके द्वारा कहा जाता है। दैनिक भास्कर का ये खबर है, काफ़ी अपने आप में अजूबा खबर है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि कमलेश उर्फ दीपू नाम का जो व्यक्ति है उसका सबसे पहले बताएं आपको कि वो दरोगा में भर्ती के लिए परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा बीपीएससी यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। जो सेटर होते हैं उससे संपर्क करता है और सेटर उसकी अंततः बहाली नहीं करा पाते हैं तो उसके बाद सेटर उसे कहते हैं कि तुम बिहार पुलिस एकेडमी के बगल में ही रहो और हम तुम्हारा इंट्री, यानी कहा जाए तो दरोगा में बहाली जो है बैक डोर से करवा देंगे, अगर तुम्हारा आयोग से नहीं हो पाया है तो इसके दूसरे भी उपाय हैं। और यही काम वो करता है और बिहार पुलिस एकेडमी जो है राजगीर में, वहाँ पर वो बगल में ही किराए के मकान में रहने लगता है। लेकिन ये मामला एक थाने में जाकर खुलता है कि ये एक फर्जी दरोगा है और 3 सालों से लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। और आपको बता दें कि माँ बहन के तबीयत का बहाना बनाकर ये बिहार पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे लगभग एक दर्जन दरोगा से पैसे की उगाही भी कर चुका है, ये भी मामला इसमें आ रहा है। पूरा खबर विस्तार में आपको हम बताते हैं। बता दें आपको हम कि नालंदा में शनिवार को एक फर्जी दरोगा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिछले 3 साल से राजगीर पुलिस एकेडमी के पास किराए के मकान में यह रह रहा था, इसका पुलिस एकेडमी में आना जाना लगा रहता था। इस दौरान कमलेश 12 से अधिक ट्रेनिंग ले रहे सब इंस्पेक्टर से माँ और बहन की बीमारी का हवाला देकर पैसे ठग चुका है। मामला छबीलापुर थाना क्षेत्र का है। फर्जी दरोगा अरवल जिले का रहने वाला कमलेश उर्फ दीपू है। उसके पास से पुलिस ने 3 फर्जी आई कार्ड, 5 एटीएम कार्ड और एक सब इंस्पेक्टर की वर्दी भी बरामद की है। बता दें आपको कि छबीलापुर थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार झा ने बताया कि फर्जी दरोगा पिछले 3 साल से राजगीर पुलिस एकेडमी के पास किराए का मकान लेकर रह रहा था। 3 साल पहले कमलेश ने सेटिंग के जरिए एसआई की परीक्षा दी लेकिन वह क्वालिफाई नहीं कर पाया। इसके बाद उसे सेटर ने एकेडमी के पास रहने की सलाह दी। सेटर ने उससे कहा कि बैकडोर से उसकी बहाली करवा देगा। इसके बाद उसने एकेडमी के एक गार्डनर से दोस्ती की और उसके साथ वह अंदर जाने लगा। कुछ समय बाद गार्डनर को वहां से हटा दिया गया। इसके बाद कमलेश की एंट्री बिहार पुलिस एकेडमी के अंदर बंद हो गई। फिर उसने पुलिस की वर्दी सिलवाई और फर्जी आई कार्ड बनवाया। इसके बाद प्रशिक्षु दरोगा के साथ मिलकर एकेडमी में जाने लगा। आपको बता दें कि छबीलापुर थानाध्यक्ष ने बताया कि शुक्रवार को किसी काम को लेकर फर्जी दरोगा कमलेश वर्दी में थाना पहुंचा, तब उसे ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारी ने थाना आने का कारण पूछा। जब उससे आई कार्ड की मांग की गई तो उसने दीपू कुमार, उस पर जो आई कार्ड था उस पर दीपू कुमार लिखा था जबकि वर्दी पर कमलेश लिखा था। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह सासाराम के वेदा ओपी में तैनात है। कन्फर्मेशन के लिए वेदा ओपी प्रभारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कमलेश या दीपू नाम के दरोगा की प्रतिनियुक्ति को खारिज कर दिया। इसके बाद कमलेश को गिरफ्तार किया गया और छबीलापुर थानाध्यक्ष ने बताया कि आईपीसी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि 3 सालों से ये बिहार पुलिस एकेडमी में जा रहा था और वहाँ के तौर तरीके जो भी ट्रेनिंग होते हैं वहाँ से वो देख रहा था और कई प्रशिक्षु दरोगा को माँ बहन की तबीयत का हवाला देकर उसने पैसे की ठगी भी की। ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी बता दें आपको हम कि खगड़िया के मानसी थाना में
एक विक्रम कुमार नाम का व्यक्ति जो है एक महीने थाने में प्रशिक्षु दरोगा बन के काम करते रहा, कई छापेमारी में भी गया और बाद में जब भेद खुला तो पता चला कि वो फर्जी दरोगा है और उसने भी स्वीकार किया कि एक सेटर ने उसे ज्वाइनिंग लेटर दिया और सीधे थाने में तैनाती कर दी। और उस समय भी ये प्रश्न उठा था कि थानाध्यक्ष ने आखिर इसका कन्फर्मेशन क्यों नहीं कराया, कोई भी व्यक्ति कागज देके पहुंच जाएगा ज्वाइन करने के लिए, आपने सीधे ज्वाइन करा दिया उसे, तो बाद में उसे हटाया गया। इसके साथ साथ बता दें कि इसके अलावा भी कई जिलों में फर्जी दरोगा के बारे में खबरें आईं, बांका में फर्जी थाना ही मिला, DSP तक के अधिकारी उसमें फर्जी पाए गए, दरोगा सिपाही सब कोई फर्जी पाए गए, बिहार में नकली IPS अफसर भी मिल चुके हैं। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है और बिहार में फर्जीवाड़ा जो है अपने चरम पे है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखिए कि बड़े बड़े अधिकारियों का के नाम से ठगी की जाती है, बड़े बड़े अधिकारी खुद को बनकर लोगों से ठगी की जाती है। तो ये राजगीर का मामला आया है, वहाँ पर एक फर्जी दरोगा को पकड़ा गया है और पुलिस को आगे ये भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर कितने ऐसे लोग हैं जो फर्जी बन के पुलिस की नौकरी कर रहे हैं या लोगों को ठग रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल तभी हार्ट टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।